आज 27 जून 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 27 जून 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज साकार मुरली में बाबा ने बहुत सारी बातों को टच किया है। आज वैसे शास्त्रों की बातें, कहानियां आई हुई है, भगवद गीता आई हुई है और बाबा ने उर्दू शब्द भी इस्तेमाल किए हैं। तो आज की मुरली की हम शुरुआत करेंगे मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो हम सेशन लेते समय भी लोगों को पूछते हैं। मैं हमेशा कॉरपोरेट में जब सेशन लेता हूँ कंपनियों में, तो मैं यही प्रश्न पूछता हूँ कि आपको जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, सक्सेस या स्टेबिलिटी, माने सफलता या स्थिरता। तो लोग समझदार है, वो बोलते हैं कि हमको स्थिरता चाहिए, क्योंकि आपको सफलता मिल गई है लेकिन आप अपने जीवन में स्थिर नहीं हो। तो वो सफलता होते हुए भी आपको सफल नहीं कहा जाएगा। हम आजकल भारत में देख रहे हैं, हमारे सामने भी नए नए डेटा आते जा रहे हैं। हम एज अ डॉक्टर इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यंग एज में, कम उम्र में हार्ट अटैक आते जा रहे हैं। अभी ये कोविड का कॉम्प्लिकेशन है, कोविड जो होके गया था साइलेंटली, या फिर कोविड के लिए जो वैक्सीन लिया गया था, या फिर हमारी जीवन पद्धति है ऐसे, ये ढूंढ पाना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हम बाबा के बच्चों को ये बात पता है कि जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, कोई ना कोई कारण निमित्त बनेगा शरीर छूटने के लिए। वैसे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग में आयु बहुत कम होगी। कलयुग में ऐसे बताते, शुरुआत 100 वर्ष की आयु से होके लास्ट में 12 से 30 साल की आयु रहेगी, और उस उम्र में ही शरीर लोग छोड़ने वाले हैं। अभी बाबा के ज्ञान के हिसाब से ये क्यों होगा? क्योंकि आत्माओं के ऊपर पापों का बोझा है और उनको वो चुकतू करना है। और चुकतू कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा, आगे चलकर अंत में धर्मराज की मशीनरी तेज होते जाएगी। तेज होगी मानो फास्ट फास्ट सजाओं का अनुभव करेंगे। और फिर वो कैसे होगा? तो जन्म लेंगे, मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। तो गर्भ जेल में ज्यादा समय तक रहेंगे और उस समय सजाओं का अनुभव होगा। तो ये हमको पहले से ही पता है। ऐसे बहुत सारे बातें हमको बाबा ने बताई है जिससे हम स्टेबल रहे। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ नॉलेज है ड्रामा का। वो ड्रामा का नॉलेज हमको अचल अड़ोल बनाने में मदद करता है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा है
कि अवस्था को एकरस अचल बनाने का साधन क्या है। लोग भी यही चाहते हैं, लोग आजकल नहीं चाहते कभी खुशी कभी गम। लोग चाहते हैं कि मेरी अवस्था एकरस रहे, परंतु हेल्पलेस है। मूड डिसऑर्डर, जिसको हम डॉक्टर्स लोग कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मूड बदलता रहता है, ये बहुत बढ़ते जा रहा है। तो अवस्था को एकरस कैसे बनाए? या तो अवस्था एकरस है या अनेकरस है। सिंपल है, जहां दिन है वहां रात नहीं, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं, जहां अनेक रस है वहां एक रस कैसे हो सकता है? तो बाबा ने एक रस के लिए बहुत मुरलियों में जवाब दिया हुआ है कि एक रस अवस्था कैसे रहेगी। तो आज की साकार मुरली में भी बाबा ने बताया कि एक रस या स्थाई अवस्था तभी बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निरंतर योग में रहेंगे तभी अवस्था एकरस होगी, नहीं तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, मूड के फ्लक्चुएशंस होंगे, भाव स्वभाव के टक्कर खाते रहेंगे। और ये भी क्यों होता है? तो बाबा ने कहा निरंतर योग में क्यों नहीं रह पाते बच्चे, तो उसका भी बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है कि योग क्यों टूटता है। तो उसका कारण जो भगवद गीता कहती है वो है ममत्व, माना मेरापन है। इसका मतलब मोह है, मेरापन मतलब मोह, मोह का बीज है मेरापन। अभी मुझे आश्चर्य लग रहा है, ये बात हमने कितने बार सुनी होगी मुरली में, कितने बार हमने सुना है कि मेरा मतलब फेरा, मेरा ही बोझ है, गृहस्थी मतलब मेरापन। और गृहस्थी उड़ नहीं सकता है क्योंकि बोझ वाला व्यक्ति उड़ नहीं सकता है। फिर भी वंडर है कि इतना सब नॉलेज होने के बाद भी नष्ट मोहा बनने में टाइम लगता है, बुद्धि को पवित्र बनाने में टाइम लगता है। और जब तक बुद्धि पवित्र नहीं बनी है तब तक धारणा हो नहीं सकती है। जो भी भाई बहने स्ट्रगल कर रहे हैं धारणा के लिए, रिट्रोस्पेक्टिवली वो अपने आप को चेक करें कि मेरे में धारणा क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब बुद्धि में मैल है, कचरा है, कोटिंग चढ़ा हुआ है। तो बुद्धि को पवित्र बनाना है। मुझे दो शब्द याद आ रहे हैं जो हमने श्रीमद् भगवद गीता में भी देखे थे। बाबा ने कहा था पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि, ये बाबा के शब्द हैं। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि अगर विकार में गया तो बुद्धि को ताला लग जाएगा, माना बुद्धि डिसीजन नहीं दे पाएगी, यथार्थ डिसीजन नहीं देंगे और विशेष साइकिल में जाएंगे, दुष्चक्र में फंस जाएंगे। पूरा खेल बुद्धि का है, बुद्धि ही हमको डिसीजन देती है, बुद्धि ही ब्रेक लगाती है। तो बुद्धि पावरफुल होना चाहिए, इसलिए बुद्धि योग कहा गया है। तो बुद्धि पवित्र नहीं है इसलिए धारणा नहीं होती है, और धारणा नहीं होती है इसलिए योग लगता नहीं है। दोनों कनेक्टेड है, बाबा का स्लोगन है योगी बनो पवित्र बनो, पवित्र बनो योगी बनो, ये दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। अगर हम पवित्र है तो योगी है, और योगी है तो पवित्र है। आपको एक बात को पकड़ के चलना पड़ेगा, जितना जितना पवित्रता की धारणा पक्की होती जाएंगी उतना योग अच्छा लगेगा। तो पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का अर्थ हमने देखा था कि पत्थर माना जिस बुद्धि के अंदर
पतितपन का पाप का थर होता है, उसको पत्थर कहते हैं, लेयर्स होते हैं। पत्थर माना पतितपन का थर, थर माना लेयर्स होते हैं। और पारस माना जिस बुद्धि ने परमात्मा से रस खींचना चालू किया है उसको कहते हैं पारस। माना रस ले रही है वो आत्मा, परमात्मा की याद में रस आ रहा है उसको। या तो आप परमात्मा की प्राप्तियों के रस में खोए हुए हैं, अगर नहीं है, अगर परमात्मा के प्राप्ति का रस नहीं है, इसका मतलब माया के प्राप्ति का रस है। या तो परमात्मा है या माया है, तो चेक करना चाहिए कि मेरा योग किस कारण से टूटता है। आज का चेक पॉइंट है कि कहाँ मेरी बुद्धि जा रही है। बाबा ने पहले भी बताया बुद्धि के जाने के चार ही रास्ते हैं, और इन चारों ही रास्तों को बाबा ने बंद करने को कहा। देह और बाकी सब देह के साथ जुड़े हुए, तो देह के साथ क्या जुड़े हुए? देह के पदार्थ हैं, देह के संबंधी है, और देह के संस्कार है। ये चारों ही रास्ते को ब्लॉक करेंगे तो बुद्धि केवल एक परमात्मा में स्थित होगी। और जब बुद्धि एक परमात्मा में स्थित होगी तभी हम निरंतर योग में रह सकते हैं, और तभी हमारे ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर खुशी के रसायन, खुशी के हार्मोन्स, रासायनिक पदार्थ निकलते रहेंगे और अवस्था एक रस रहेगी। तो चेक करना चाहिए। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ कि मैं अटेंशन रखता हूँ क्योंकि मुझे प्राप्ति हो रही है बाबा की याद में। तो अपने आप को दिन भर में मुरली और सेवा, इसमें बिजी रहने के कारण बाबा और सेवा, इसके अलावा कुछ चलता नहीं है बुद्धि में। क्योंकि दिन भर इतने फोन कॉल आते हैं, इतने लोग प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे रेफरेंस देते हैं शास्त्रों के वगैरह, तो बुद्धि उसमें बिजी रहती है कि कैसे हम जवाब दें। आज अभी इस समय मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में हूँ। मुजफ्फरपुर बिहार के उत्तर पूर्व हिस्से में है, इसके बाद बॉर्डर लगता है सीतामढ़ी और किशनगंज और मधुबनी, चंपारण, ये सब नेपाल बॉर्डर को लगे हुए हैं। उनके जस्ट नीचे मुजफ्फरपुर है, क्योंकि कल हम सीतामढ़ी में जाने वाले हैं। सीतामढ़ी एक ऐसा स्थान है, आपने अगर सुना हो तो, ऊपर नेपाल में जब बहुत बारिश गिरती है तो ये दोनों जिले में पानी जम जाता है, तो पानी में बाढ़ में डूबे रहते हैं, क्योंकि ऊपर जब पानी भरता है तो नेपाल नीचे पानी छोड़ देता है। तो आज हमने ट्रेनिंग लिया, अभी मैं ट्रेनिंग लेके ही उतरा हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक यहाँ पे नशा मुक्ति का ट्रेनिंग रहा, दोपहर को भी रेस्ट नहीं। कल रात को प्रोग्राम 9:30 बजे दरभंगा में पूरा हुआ, उसके बाद भोजन हुआ, उसके बाद फिर दूसरे दिन अमृत वेला और नए स्थान पर कई बार गर्मी के वजह से नींद नहीं आती है, तो 3 घंटा रेस्ट होके अमृत वेला, फिर मुरली क्लास, फिर भाई बहनों से मिलके, फिर वहाँ से यहाँ आने में दरभंगा से 2.5 घंटा लगा। और फिर जब से आए हैं तब से ट्रेनिंग लगे हुए हैं, और अभी ट्रेनिंग पूरा होके रिकॉर्डिंग चालू किया है मैंने, क्योंकि रात को समय नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब सेवाओं में मैं अपनी चेकिंग ये करता हूँ कि क्या मेरी मन और बुद्धि शिव बाबा में एकाग्र है। शरीर इशारा दे रहा है थकावट का, कमर दर्द कर रही है, गला पकड़ रहा है, नाक बह रहा है, क्योंकि गर्मी ठंडी ऐसे मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। दिल्ली में था तो बारिश था,
मुंबई में आया तो गर्मी था, यहाँ आया तो गर्मी, तो शरीर एडजस्ट करता है तो इसका भी इफेक्ट आता है स्वास्थ्य के ऊपर। लेकिन इन सब में मैं साक्षी होके देख रहा था कि क्या मेरी मन और बुद्धि शिव बाबा में निरंतर एकाग्र है, क्या मैं अपने मूड को स्टेबल रख पा रहा हूँ। तो साक्षी होके चेकिंग किया तो पता चला हमारी कैपेसिटी नहीं है। जब तक बाबा की दुआ है और ब्राह्मण परिवार की दुआ है तभी आप ये कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर होने के कारण हम तुरंत अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, खाने के ऊपर कंट्रोल है, चाय कॉफ़ी दूध वगैरह लेते नहीं हैं, तो खाने के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं, नींद के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो अपने शरीर को और आत्मा को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भले हम सेवा में हैं लेकिन इफेक्ट तो आता है सेवा का। और आप सोचो जो भाई बहने ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, जैसे मुंबई जैसे शहर में ट्रैवल करना मासी का घर नहीं है, रोज 2 घंटा जाना आना, दिन भर ऑफिस में काम करना, फिर घर के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो गृहस्थियों के चैलेंजेस अपने हैं, कुमार कुमारियों के अपने हैं, और हमारे जैसे जो सेवा में रहते हैं उनके अपने चैलेंजेस हैं। हर एक के सामने कोई ना कोई चैलेंज है, लेकिन इन सब में हमको अवस्था को एकरस रखना है। और मेरा यह अनुभव है कि बुद्धि में अगर बाप की याद है, बिंदु रूप बाप के साथ मैं कंबाइंड हूँ, बार बार मैं बीच बीच में अपने आप को याद दिलाता हूँ। 2-3 बातें मैंने पक्की कर ली है कि पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ और महान हूँ, अब मुझे घर जाना है, मैं निमित्त हूँ, करण करावनार बाबा है, बाबा की सेवा अपने आप चलते रहती है, मुझे बाबा की याद में रहना है, सबको मर्यादा में रहते हुए सुख देना है। तो ये ज्ञान की पॉइंट अंदर मैं चलाता रहता हूँ और फिर मैं मुरली के ऊपर चिंतन करता हूँ। जैसे आज की मुरली में शास्त्रों की 2-3 बात आई है, भगवद गीता बहुत दिनों के बाद मेरे फेवरेट श्लोक आए हैं। बाबा ने आज दक्ष प्रजापिता को याद किया है, प्रजापिता, फिर बाबा ने आज याद किया हुआ है कामधेनु को और कपिल देव को, कपिल मुनि। तो ये शास्त्रों की बातें हैं, इसके ऊपर चिंतन चला कि कैसे मैं आपको समझाऊं, तो सोचा कि पहले रेफरेंस दे। भगवद गीता में 2 बार ये कामधेनु शब्द आया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तीसरा अध्याय कर्मयोग, जिसमें 10वां श्लोक है, जिसमें दोनों शब्द साथ में आए हैं, प्रजापति और कामधेनु। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्व प्रसविश्य ध्वमेश वो अस्त्वी कामधुक। माना इस श्लोक का अर्थ यह है कि ब्रह्मा ने आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचा और फिर उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम्हें तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। परफेक्ट ज्ञान के हिसाब से बैठता है। बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा इस यज्ञ की स्थापना की और यज्ञ की जितनी हम सेवा करते हैं उतना हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो ये परफेक्ट श्लोक का अर्थ है। और दूसरी बार ये आया है वो है 10वां अध्याय में, 10वें अध्याय में विभूति योग है, तो 28वां श्लोक है। उस 10वें अध्याय में स्पष्ट आया हुआ है 28वें श्लोक में कि परमात्मा की विभूतियाँ बताया है। तो उसमें आयुधानम अहम वज्रम, माना शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और धेनु नामस्मि कामधुका, माना गौ में मैं कामधेनु हूँ। स्पष्ट कहता है कि मैं सबकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ, ये स्पष्ट आया हुआ है। तो ये 2 बार आया है और आज बाबा ने इसके साथ जोड़ा हुआ है कि दक्ष प्रजापिता और कामधेनु। और बाबा ने आज इसी के साथ जुड़ी हुई बात बताई है कि यज्ञ से जैसे हमने देखा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो बाबा ने कहा कि
जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि अश्व को स्वाहा किया है ना, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें अक्षो को अश्व माना घोड़ों का आह्वान करते थे। अभी घोड़े कौन है? तो घोड़े हम हैं, अश्व हम हैं, और हमने अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, यही इसका अर्थ है। तो उन्होंने इसकी कहानी बना दिया। सचमुच में मैं देखता हूँ घोड़ा घोड़ा कितना अथक होके भागता है, इसलिए घोड़ों को कहते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इनके अंदर होती है। तो बाबा के कई बच्चे अथक होके दिन रात ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। ये उनका ही गायन है, वो अपने आप को जैसे शास्त्रों में गायन है कि दधीचि ऋषि समय हमने हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। तो ये सब शास्त्रों के अर्थ या कहानियां आज के मुरली में आए हुए हैं। दो और इम्पोर्टेंट कि बाबा ने कहा कि कपिल देव और कामधेनु, इसका थोड़ा कनेक्शन बताएंगे। तो शास्त्रों में कपिल देव की कहानी बताई हुई है कि कपिल मुनि और उनसे कैसे कामधेनु आई। तो ये सब शास्त्र है, मत्स्य अवतार विष्णु पुराण में आए हुए हैं। मत्स्य अवतार में मनु और सप्तर्षि और फिर उनके साथ फिर कामधेनु कैसे उनको मिली। कामधेनु बहुत सारी कहानियों में आई हुई है कि एक गाय जो सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हम इसका अर्थ जानते हैं कि संगम युग पर वैसे तो जगदम्बा सरस्वती कामधेनु है, क्योंकि जगदम्बा सरस्वती अपनी वाणी के द्वारा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो बाबा ने उनको कामधेनु कहा है, लेकिन बाकी बाबा के सभी बच्चे भी नंबर वार कामधेनु है। जितना जितना हम सब बाबा के बच्चे बाबा की याद से अंदर से भरपूर हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम दूसरों की कामनाएं पूर्ण करने के निमित्त बनते हैं। और हम सब बाबा के बच्चे नंबर वार कामधेनु है, हम सब नंबर वार कामधेनु है। लेकिन कौन बनेंगे कामधेनु? तो बाबा ने कहा आज दूसरा शब्द, उर्दू शब्द आज दो आए, एक हसीना, हसीना ये उर्दू शब्द है, हसीना माना खूबसूरत। तो एक मुसाफिर और एक हसीना। तो मुसाफिर है शिव बाबा और वो सबसे हसीन भी है। तो मुसाफिर शिव बाबा हमको परम धाम और निर्वाण धाम जाने की मुसाफिरी सिखाते हैं। तो ये सुंदर हसीन मुसाफिर हमको भी अपने जैसा खूबसूरत बनाता है। और खूबसूरत माना क्या? तो आज बाबा ने कहा खूबसूरत कौन है? तो खूबसूरत है देवताएं, क्योंकि देवताओं का शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है। आज बाबा ने फिर से कहा लक्ष्मी नारायण से भी खूबसूरत राधा कृष्ण है। कृष्ण है सबसे खूबसूरत आत्मा, क्योंकि सबसे पहले ये खूबसूरत आत्मा ही उतरती है। बाबा ने स्पष्ट आज की मुरली में कहा है कि श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। अंडरलाइन करेंगे, बहुत चिंतन की बात है कि श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। माना श्री कृष्ण जब जन्म लेगा उसको हम शुरुआत कह सकते हैं स्वर्ग की, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा स्वर्ग का पहला बच्चा, मतलब वो आया इस धरती पर और स्वर्ग की शुरुआत हो गई। क्योंकि आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर नंबर वन है। कुछ क्लासेस में कुछ भाई बहने कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बड़ा होके श्री नारायण बनके जब गद्दी पर बैठता है तब वन 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 चालू हो जाता है। ये बाबा ने किसी भी मुरली में आज तक कहा हुआ मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आज की मुरली के पॉइंट्स को हम अंडरलाइन करेंगे कि लक्ष्मी नारायण से भी पहले राधे कृष्ण है और श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। माना श्री कृष्ण का जन्म और स्वर्ग की शुरुआत है।
तो हमको अगर श्री कृष्ण के समान बनना है तो हमको चेकिंग करना है कि मैं श्री कृष्ण जैसा खूबसूरत हूँ। अभी खूबसूरत खूबसूरत जो श्री कृष्ण है वो कोई शरीर की बात तो है ही है, लेकिन उसने संगम युग पर पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? कि बाप समान अपने आप को बनाया। 5 डिग्रियां है श्री कृष्ण की, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। यही है स्वर्ग का सबसे खूबसूरत बच्चा। तो हमको इसके साथ आना है, तो ये 5 डिग्री में हमको 100% मार्क लेने हैं तो साथ में आएंगे, नहीं तो हम प्रजा में आएंगे। अगर फेल हो गए तो बाबा ने जैसे कहा कि देवता केवल सूर्यवंशी को कहा जाता है, त्रेता या चंद्रवंशियों को देवता नहीं कहा जाता है, वो है क्षत्रिय। तो बाबा हमको मुसाफिर खूबसूरत बनाने के लिए इस धरती पर आया हुआ है। तो हमको चेक करना है कि मुझ आत्मा में कितनी खाद पड़ी हुई है। जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतनी हमारी ये खाद भस्म होते जाती है, और यही यथार्थ योग है जिसको बाबा ने कहा योग अग्नि। हमने ये भी देखा कि भगवद गीता ज्ञान अग्नि शब्द इस्तेमाल करते हैं, और बाबा योग को अग्नि कहता है, क्योंकि अग्नि के बगैर जैसे सोने के अंदर की खाद निकल नहीं सकती है, वैसे बाबा की याद की अग्नि जब तक हम प्रज्वलित नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर जो खाद पड़ी है वो निकल नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा योग न लगने का कारण नष्ट मोह नहीं बने हैं, और बाबा पवित्रता का सागर है, एवर प्योर है, और हम अगर पवित्र नहीं बनते हैं, धारणा नहीं करते हैं, तो फिर नष्ट मोह नहीं बनेंगे और फिर बाबा की याद भी बुद्धि में ठहरेगी नहीं। इसके लिए बार बार अपने आप से बात करनी है, अपना निश्चय पक्का करना है कि मेरे अंदर 84 जन्मों में खात पड़ी है, और मुझे निरंतर बाबा की याद करके अपने आत्मा के अंदर जो भी खात पड़ी है उसको निकालना है। उसके बिगैर परिपक्व अवस्था, कर्मातीत अवस्था आ नहीं सकती है। बाबा ने स्पष्ट कहा है, आज तो बाबा ने वार्निंग भी दिया है। बाबा बीच बीच में वार्निंग देता है। बाबा ने आज बहुत गुह्य बात कही फिर से कि क्या होगा अगर याद में नहीं रहेंगे तो माया थप्पड़ मारेगी, एक थप्पड़ से खलास कर देती। आप सोचो कितना जबरदस्त थप्पड़ होगा। भल कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। तो कभी भी माया को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आज बाबा ने सुसाइड करने वालों को भी कहा है कि जो आत्मघात करते हैं या जिसको आप घात कहते हैं, आत्मघात तो हो नहीं सकता है, शरीर को खत्म करते हैं, एक दो में कुछ हुआ आश पूरी न हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। मैं देख रहा हूँ डे बाय डे सुसाइड बढ़ते जा रहा है। बाबा ने कहा उनको जीवघाती महापापी कहा जाएगा। हमको कभी भी ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए, हमको सहन करना है, तपस्या करना है, और तभी हम घड़ी घड़ी अपने आप से बात करेंगे, बाबा से बात करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तब बाबा के पास पहुंच जाएंगे। दूसरा उर्दू शब्द आया अर्श और फर्श। तो बाबा ने कहा जैसे बाप अवतरित हुए ऐसे हम भी श्रेष्ठ आत्माएं ऊपर से इस धरती पर अवतरित हुई है। जब ये अवतार की स्मृति रखेंगे तब हम पुरानी दुनिया से न्यारे हो जाएंगे। हम ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतार है। तो अवतार की स्मृति रखेंगे, जैसे अवतार आता है मैसेज देता है उड़ जाता है, अवतार आता है मैसेज देता है उड़ जाता है, तो ऐसे स्मृति में रहेंगे तो ऊंची स्थिति का अनुभव होगा, उड़ने का अनुभव होगा,
और ऐसे बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे जो हर समय उड़ते हैं और उड़ाते हैं। बाबा ने कहा अभी एक ही अवस्था अंतिम समय है, उड़ो और उड़ाओ, और कोई अवस्था काम नहीं करेगी, उड़ो और उड़ाओ। तो ऐसे जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, जो मम्मा का हमने देखा हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे बाप के दुआओं की मुबारक लेते हैं और अपना श्रेष्ठ कल्प कल्प का भाग्य फिक्स कर लेते हैं। ऐसे अचल अड़ोल बनते हैं जो उनसे कोई भी विकर्म नहीं होते हैं और परिपक्व अवस्था में चले जाते हैं। तो आज दिन भर में हम अटेंशन रखेंगे कि मैं आज 24 घंटे में निरंतर बाबा की याद में रहूं, नष्ट मोहा बनूं। अगर मेरी बुद्धि कहीं जा रही है तो उसको पुरुषार्थ से, निश्चय से, वहां से बुद्धि को हटाकर फिर से बाबा की याद में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, निरंतर याद में रखने का पुरुषार्थ करेंगे, तब हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी, जिसमें श्रेष्ठ ज्ञान की धारणा होगी और हम स्थायी और एकरस अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।